वेलकम टू एशाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम साइंस 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 करेंगे, ग्रेविटेशन। सब जब ग्रेविटेशन की बात आती है तो पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है सर आइजैक न्यूटन का। तो उनका नाम कनेक्टेड है ग्रेविटेशन का, ही डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन एंड उनके ऊपर लॉ भी है, उन्होंने लॉ दिया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सर आइजैक न्यूटन तो एक साइंटिस्ट है, हमको पता है, एस्ट्रोनॉमर है। उनके अलावा और एक एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट थे, केपलर, सर जोहनस केपलर। वो इवन सर आइजैक न्यूटन से पहले आए थे, उन्होंने भी लॉज दिए, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करके उन्होंने ये लॉज बनाए। ये लॉज को प्रूव करने का काम भी सर आइजैक न्यूटन ने बाद में किया। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन भी इंपॉर्टेंट है, तीन लॉज है और ये 3 मार्क के लिए ऑलरेडी पूछा भी गया है मार्च 2020 में। तो ये हम देखेंगे केपलर्स लॉज क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन इन जनरल भी, और इसके अलावा जो ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन हम समझते हैं जैसे सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन डिस्कवर किया तो जब एप्पल पेड़ से गिरा, बहुत फेमस इंसिडेंट है, तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों आया और कोई डायरेक्शन में नहीं क्यों गया, क्यों, ये क्या फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ के सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ एप्पल पे नहीं एक्ट करता, ये देखिए मून पे भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से मून अर्थ के राउंड घूमता है, अर्थ के चक्कर लगाता है। तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स भी डिस्कस किया जाएगा, फ्री फॉल कब होता है जब ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही है तो वो फ्री फॉल क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, मतलब जब जैसे हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं तो स्पेस जो रॉकेट्स भेजते हैं हम सैटेलाइट्स ना लॉन्च व्हीकल्स, तो उनको एक वेलोसिटी स्पीड होनी चाहिए उनकी कि वो इतनी स्पीड से जा सके कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर सके। तो जो मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी अच्छा है, लेकिन उससे कम होगी तो ग्रेविटेशनल पुल वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ उनको अट्रैक्ट ही करेगा, वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये जो वेलोसिटी होती है मिनिमम वेलोसिटी, इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, और ये हर प्लैनेट के लिए एक वैल्यू है, अर्थ के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू एस्केप वेलोसिटी है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, सैटेलाइट लॉन्चर रॉकेट, उसको कौन सी स्पीड, क्या स्पीड पे जाना होगा, 11.2 किलोमीटर कवर करना होगा 1 सेकेंड में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 11.2 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है, उतना 1 सेकेंड में उसको कवर करना, तो ये स्पीड होनी चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का भी यूनिट यही है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन वेलोसिटी में ये मैग्नीट्यूड वैल्यू के अलावा और एक चीज ऐड होती है, डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन प्लस वैल्यू को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। मतलब अगर इमेजिन करो आप अगर कोई चीज एक स्पीड पे जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसने अपनी स्पीड चेंज नहीं की लेकिन डायरेक्शन चेंज कर ली, राइट टर्न ले लिया समझो, तो फिर उसकी स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये एक फर्क है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कैन यू रिकॉल में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब एक फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे लगाते हम तो क्या होता है उसका इफेक्ट। तो अगर वो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी और हम फोर्स लगा रहे उसको ऐसे, तो वो मोशन में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में और हम फोर्स लगा रहे उसको रुकाने के लिए, तो वो रुकेगा अगर उतना फोर्स होगा तो। या तो हम फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट मोशन में उसका सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ये अलग अलग हो सकते हैं। फिर सेकेंड है, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विद, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, जैसे एक तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से आता है, फिर उसके अलावा इवन न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो काफी सारे अलग अलग टाइप के फोर्सेज होते हैं। फिर तीसरा सवाल है, What do you know about gravitational force? So, gravitational force के बारे में आपको क्या पता है? तो gravitational force का actually definition भी यहाँ दिया गया है। तो ये जो मार्किंग है आपको करनी है ब्लू और रेड पेन से, तो ये आप जो हाईलाइटेड रेड से वो रेड पेन से अंडरलाइन कीजिए, जो हाईलाइटेड ब्लू से वो ब्लू पेन से कीजिए। तो रेड पेन मतलब कि जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स होते हैं वो रेड पेन से अंडरलाइन होते हैं, कि आप चैप्टर में जब ये की वर्ड्स देखो तो उसके अराउंड उसका डेफिनेशन वगैरह जो भी है उसके बारे में डिटेल वो आप कैच कर सको। तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपके हमारे ब्लैंक्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो की पॉइंट होते हैं आंसर की, वो यहाँ पे रेड में हाईलाइटेड होते हैं।
तो ये हिसाब से ये है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब यूनिवर्स में हर जगह पे, सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, अर्थ की ग्रेविटी है, बाकी सारे प्लैनेट्स की भी ग्रेविटी है, सन की भी ग्रेविटी है जिसकी वजह से अर्थ सन के गोल गोल घूमता है। तो हर यूनिवर्स में हर जगह पे फोर्स है, इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स और इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, सिर्फ अर्थ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी नहीं होती है बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हम यहाँ आगे चैप्टर में एग्जाम्पल भी है कैसे दो दो बच्चों के बारे में लिखा गया है, टू बॉयज महेंद्र एंड विराट, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थ इतना हैवी मास जितना होता है उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो आगे जाते हैं, फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया, तो वही है डिस्कवरी हुई है ग्रेविटेशन की बाय हिम, एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री उससे उनको ये आइडिया मिला। फिर आगे है रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, तो ये भी हमने डिस्कस किया, अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर आगे देखेंगे तो फोर्स एंड मोशन के ऊपर है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन थे, तो ये न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड का सिलेबस है। उसके बाद न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसके ऊपर ही पूरा आपके चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर के जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो न्यूटन्स थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अच्छे से आने चाहिए, तो न्यूमेरिकल्स के वीडियो में हम वो तीन इक्वेशंस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ देखेंगे। अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कैन यू रिकॉल देखना चाहते हैं तो सेपरेट जो वीडियो है पीपीटी का वो आप देख सकते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में यहाँ क्या दिया गया है, सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी सब दिया, हमने अभी डिस्कस किया। तो तीन लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक झलक हम देख लेंगे यहाँ पे। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये सारे तीन लॉज है, ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, तो रिपीटेशन नहीं करूंगी मैं यहाँ पे, आप ग्रेविटेशन का प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो ये तीन इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर में आपको याद रखने हैं, v, u, a, t और s क्या है वो भी यहाँ दिया गया, तो ये आपको देखना है। तो वही दिया गया है यहाँ पे कि सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिया, इक्वेशंस ऑफ मोशन दिया और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम अभी देखेंगे आगे चैप्टर में है, और उनकी बुक थी उसमें उन्होंने ये सब कर दिया है, उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया, तो ये हमने रेड में अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब यही है कि ये आपको याद रखना है बुक का नाम क्या था। और केपलर के बारे में दिया गया, केपलर जो साइंटिस्ट उनसे भी पहले थे, उन्होंने थ्री लॉज दिए, थ्री लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, तो वही। और न्यूटन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से केपलर लॉज को मैथमेटिकली डिराइव किया था, प्रूव किया था, और न्यूटन ने काफी सारे एरियाज में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जैसे लाइट, हीट, साउंड, मैथमेटिक्स में तो उन्होंने नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वेंट किया जिसको कहते हैं कैलकुलस, तो ये है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ जो दी गई है वो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बनाया। तो ये सब हमको जो फैक्ट्स है याद रखने हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो उसके लिए। फिर आता है सर्क्यूलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि हम एक रोप पे एक स्टोन बांधे और उस स्टोन को ऐसे हाथ ऊपर करके गोल गोल घुमाए रस्सी से, तो स्टोन एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो वो सर्कुलर मोशन में अब क्या होता है, यू नो, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन, यस वी आर अप्लाइंग, इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग, तो इट्स एक्टिंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, एंड स्टोन क्या होगा जैसे जैसे हम उसको गोल गोल घुमाए वो गोल गोल घूमते जाएगा, तो जब तक हमने स्ट्रिंग पकड़ी है पुल कर रहे हैं स्टोन को तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन अगर फोर्स को हमने छोड़ दिया अचानक, जैसे कि अगर डोरी टूट गई या छूट गई और स्टोन अलग हो गया तो स्टोन कहाँ जाएगा, द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ यू रिलीज द स्ट्रिंग, स्टोन विल फ्लाई अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये टेंजेंट्स जैसे हम सर्कल में पढ़ते हैं, टेंजेंट मतलब एक लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो स्टोन आगे चला जाएगा, उड़ जाएगा, तो ये होता है। तो ये क्यों होता है ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है ये पे, यहाँ पे तो ये देखो,
A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. ये फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन है, तो जो भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर होता है। हाँ, सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग। तो ये डेफिनेशन हमको याद रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप खुद एक सर्कल में गोल घूम रहे हैं तो वहां पे भी आपके ऊपर आप झुकते हैं, आप सर्कल के अंदर की तरफ झुकते हैं तो वो भी एक फोर्स होता है, तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का जाता है, और जो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। फिर आगे सवाल है, आगे स्टेटमेंट है, मून विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज राउंड इट इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। तो मून भी हमारे गोल गोल घूम रहा है, अर्थ के गोल गोल घूम रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून और उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सीधे नहीं जा रहा है, हर एक डायरेक्शन पर उसका, हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होता है और स्पीड भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होती है, लेकिन ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे भी एक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑफकोर्स मून मूव रोटेट हो रहा है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फोर्स विच इज एक्टिंग सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहाँ पे एक्ट करता है, वो एक पॉइंट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगी तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो ये फिर आगे देखेंगे केपलर्स लॉज के बारे में। तो केपलर्स थ्री लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है। तो केपलर्स लॉज समझने से पहले हमको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो एलिप्स है वो क्या होता है। ये एलिप्स यहाँ पे डायग्राम दिया गया है डू यू नो में, तो ये समझना जरूरी है। तो एलिप्स क्या होता है, एलिप्स इज एक्चुअली शेप। हम सर्कल तो समझते हैं, जैसे यहाँ पे कोन दिया गया, अगर हम हॉरिजॉन्टली उसको काटेंगे या नीचे बेस भी देखेंगे तो सर्कल है, लेकिन अगर आड़ा काटेंगे स्लांट, यहाँ पे देखो एक स्लांट कट मारा है, तो ये जो ऐसे ओवल सा शेप आता है उसको एलिप्स कहते हैं। तो एलिप्स जो है ये जब ऑब्टेन होता है तो इसका क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर सेंटर रेडियस नहीं माना जाता, ऐसे रेडियस है और सेंटर है, क्योंकि ये रेडियस कैसे होता है, हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो अगर ये सेंटर भी है तो ये वैल्यू सेम नहीं होगी, तो रेडियस सेम तो नहीं होता है, ये रेडियस का आइडिया नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, सेंटर की जगह दो फोकस होते हैं F1 और F2। और यह प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये फोकस अगर F1 ले रहे हम, तो अगर ये F1 और F2 से अगर कोई भी पॉइंट एलिप्स पे लेंगे, जैसे पॉइंट A ली तो AF1 प्लस AF2 होगा, B पॉइंट ली तो BF1 प्लस BF2 होगा, C ली D ली कोई भी पॉइंट लोगे और उसका उसका जो डिस्टेंस है F1 प्लस F2, AF1 प्लस AF2 या BF1 प्लस BF2, जब भी हम करेंगे तो डिस्टेंस ये कांस्टेंट रहेगा, दिस प्लस दिस लेंथ। तो ये एक प्रॉपर्टी है एलिप्स की, तो एलिप्स समझना आना चाहिए। फिर हम केपलर्स लॉज देखेंगे। तो केपलर ने जो लॉ दिया हमने देखा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, उन्होंने लॉज दिए, न्यूटन से पहले थे वो, और उनके लॉज को मैथमेटिकली डिराइव न्यूटन ने किया है, उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लॉज दे दिए। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जब प्लैनेट जो होता है, जैसे अर्थ सन के गोल गोल घूम रहा है, मून अर्थ के गोल गोल घूम रहा है, तो ये जो गोल गोल घूम रहा है तो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिट जो है हम समझते हैं सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन एक्चुअली वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती है, एलिप्टिकल होती है, एलिप्स होती है। तो सन जो है सेंटर पे नहीं होता, जो हम बचपन से समझते आ रहे हैं कि सन सेंटर पे और अर्थ उसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे नहीं होता, सन सेंटर पे नहीं है, सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। तो ये एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सन सेंटर में और ये सर्कल है, ये एक्चुअली ऑर्बिट ओवल है, मतलब ये अर्थ है अगर तो अर्थ ओवल में गोल गोल घूम रहा है, ओवल ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है सन के, और सन सेंटर में नहीं है, सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, या एफ वन पे या एफ टू पे। तो ये फर्स्ट लॉ है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, यहाँ जहाँ पे भी समझो आप, जो जैसे देखो नजरिया है, तो एट वन ऑफ द फोकाई। फिर केपलर्स सेकेंड लॉ क्या है, द लाइन लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, मतलब एक लाइन बना दी हमने, जैसे प्लैनेट ए है और ये सन है, तो ये एक लाइन बना दी हमने, तो ये जो हमारी लाइन है ये कितना एरिया कवर करेगी कितने टाइम में, उसके ऊपर ये लॉ है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं इसको एक घंटे का टाइम दे रही हूँ तो एक घंटे में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इतना एरिया कवर हुआ, अगर प्लैनेट इधर सी पोजिशन पे होगा तो प्लैनेट उतने ही टाइम में एक घंटे में यहाँ सी से डीप तक पहुंचा तो इतना एरिया कवर हुआ, अगर प्लैनेट ई पे है
तो 1 घंटे में वो ई से एफ तक पहुंचता है, तो इतना एरिया कवर हुआ। अब देखो आप देखोगे तो ए से भी आपको दिखता है ज्यादा आगे बढ़ा, सी से डी थोड़ा कम, ई से एफ बहुत कम, तो डिस्टेंस कवर हमको कम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड नहीं, ये सेम नहीं रहता, क्या होता है एरिया स्वेप्ट सेम रहती है। मतलब ये एरिया वन, एरिया टू और एरिया थ्री, ये तीनों एरिया सेम है। जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ये जगह कितना है, ये ब्लू में शेडिंग जो है वो कितनी है, तो वो एरिया इक्वल होती है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इससे हमको क्या समझ में आता है सेकेंड लॉ से, कि अगर प्लैनेट ए पे है, ए से बी पे 1 घंटे में जा रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर, मतलब यहाँ स्पीड उसकी ज्यादा है। फिर यहाँ पे सी टू डी जब है तो स्पीड कम हो गई है, ई टू एफ है तो और स्पीड कम हो गई है। तो जितना सन से दूर जाते हैं उतनी स्पीड कम हो जाती है, तो वो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आती है। फिर केप्लर्स थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ क्या है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, मतलब कितना टाइम लगता है, जैसे अगर अर्थ का हम सोचे तो अर्थ का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365 डेज, तो 365 डेज इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसको स्क्वायर करना है, मतलब मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ, 365 into 365, तो स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब उसका डिस्टेंस, मतलब अर्थ का डिस्टेंस सन से कितना है, वो मीन डिस्टेंस जितना है। मीन डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, मीन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, मीन मतलब एवरेज, एवरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सन से अर्थ का डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग है, क्योंकि सर्कल नहीं है, एलिप्स है, तो उसका मीन लेना है, एवरेज डिस्टेंस लेना है। तो एवरेज डिस्टेंस जो प्लैनेट का सन से, उसको हम क्यूब करेंगे, तो वो दोनों का रिलेशन कैसे हो गया, टाइम का, पीरियड का और डिस्टेंस का रिलेशन कैसे होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर प्लैनेट कितना टाइम लगा था सन के अराउंड रिवॉल्व होने को, उसका टाइम, वो नंबर ऑफ डेज या जो भी आपको हुआ आवर्स डेज, वो इंक्रीज होगा जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब जितना प्लैनेट सन से दूर होगा, जैसे हमारे प्लैनेट से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो वो जो ऑर्डर में है, तो प्लैनेट अगर सन के पास है तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैसे होगा, डिस्टेंस कम है तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी कम होगा, जल्दी एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे प्लैनेट दूर दूर हो गए, फिर मर्क्यूरी के बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, जैसे प्लैनेट दूर दूर जाएगा वैसे उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है, टाइम जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये थर्ड लॉ का मतलब है। और जो एग्जैक्ट रिलेशन है कितने रेट पे बढ़ता है, वो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ये है फॉर्मूला। अब इसके लिए केप्लर्स लॉस तो तीन हो गए, लेकिन इसके लिए क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि केप्लर ने लॉस तो दिए, सिंपली उन्होंने स्टडी किया कि पोजीशन प्लैनेट कैसे है, रेगुलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करते थे टेलीस्कोप से, उससे उन्होंने ये तीन लॉस तो दे दिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये लॉस क्यों प्लैनेट्स ओबे करते हैं, इसका क्या रीजन है। तो वो मैथमेटिकली लॉस को डिराइव करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, वो काम आई। तो ये बात। फिर आगे यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द एरिया ई एस एफ इन फिगर 1.4 इज इक्वल टू एरिया ए एस बी, हमारा जो एलिप्टिकल ऑर्बिट का ये डायग्राम है 1.4, इसमें एस सन है और ई एफ यहाँ पे ए है, ए बी यहाँ पे, मतलब एरिया कौन सा, ई एस एफ मतलब ये लंबा एरिया और एस ए एस बी मतलब ये एरिया, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर इक्वल है तो हम क्या इन्फर कर सकते हैं अबाउट ई एफ, व्हाट कैन यू इन्फर, मतलब व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट ई एफ। तो ये क्वेश्चन जो है यूज योर ब्रेन पावर का, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये एक्चुअली केप्लर्स सेकंड लॉ है कि अगर प्लैनेट इक्वल एरिया स्वाइप कर रही है तो फिर ये जो एरिया इक्वल है, मतलब कि टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ई टू एफ, तो ये हमारा इन्फ्लुएंस है यहाँ से। फिर आगे देखते हैं, तो अभी आएगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। Every object in the universe attracts every other object with a definite force. मतलब हर object universe में हर दूसरे object को attract करती है एक definite force से। और ये force की value कितनी ज्यादा है कितनी कम होती है किस पर depend करता है, this depends on two things. So the force is directly proportional to product of the masses. मतलब जो दो objects है उन दोनों का masses का product लो, product का मतलब होता है multiplication. तो मल्टीप्लीकेशन मासेस का, दो ऑब्जेक्ट के मासेस को मल्टीप्लाई करना है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फोर्स इज इक्वल टू, डेफिनेशन में ये न्यूमरेटर में आएगा, तो ये बढ़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा। और आगे क्या लिखा है, एंड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, ये दो मास है m1 m2, m1 m2 को हमको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d दिया गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब d स्क्वायर, तो d स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब f इंक्रीज होगा d डिक्रीज होगा ऐसे, तो d के से f को कैसे इफेक्ट होता है, तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ वही है प्रोपोर्शन की साइन है, ये एक्चुअली डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन है, ऐसे a जैसा लगता है लेकिन ये a नहीं है, तो इधर एक्चुअली प्रोपोर्शन है तो हमको एक कांस्टेंट चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो ये कैपिटल जी है, तो जी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये कैपिटल जी क्या है वो भी ये देखो रेड में अंडरलाइन है, आपको ये याद रखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद अ डेफिनेट फोर्स, और ये फोर्स कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो हमको याद करना है, तो ये हो गया न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी यहाँ बॉक्स में केपलर, जोहानस केपलर के बारे में भी दिया गया, ही वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर और वो एक्चुअली हेल्पर की तरह काम कर रहे थे फेमस एस्ट्रोनॉमर के साथ टाइको ब्रे, और जब वो एक्चुअली सडनली उनकी डेथ हो गई मिस्टर ब्रे की, तो तब केपलर को रॉयल मैथमेटिशियन अपॉइंट किया गया था, और वो एक्चुअली ब्रे के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको यूज करके केपलर ने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बनाए और उन्होंने अपनी बुक्स भी पब्लिश की, और यही जो उनका वर्क था सर जोहानस केपलर का वो यूज किया गया बाय आइज़ैक न्यूटन और उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया, तो ये है। अब यहाँ पे और आगे जो है ये फॉर्मूला के बाद लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है द अबव लॉ मींस दैट इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आल्सो डबल्स, एंड इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि ये डिस्टेंस डबल होगा मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा f, मतलब 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अंडरलाइन करने की जो बात है वो लिखी है यहाँ पे देखो, इफ द टू बॉडीज आर स्फेरिकल, अगर दो बॉडीज जो ये है ऐसे स्फेरिकल है, अगर स्फीयर है, तो डिरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड तो हमको ये फॉर्मूले से मिल रहा है, डायरेक्शन जो फोर्स का है वो हमारे इसके लिए ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है यहाँ डिटेल कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन अगर स्फेरिकल बॉडीज नहीं होगी, अगर बॉडीज आर नॉट स्फेरिकल, तो उनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उनके दोनों के सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करेगी जो लाइन, वो उनका डायरेक्शन होगा फोर्स का, तो अभी ये सेंटर ऑफ मास के लिए भी आगे डिटेल दी गई है वो हम देखेंगे। नीचे यहाँ पे और एक यूज ऑफ ब्रेन पावर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जी की यूनिट क्या है, तो वैल्यू ऑफ जी तो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिट क्या आएगी इसकी, तो अगर जी को हम अकेले करेंगे एक साइड पे तो ये क्या फॉर्मूला होगा, जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दो मासेस जो नीचे जाएंगे यहाँ पे ये साइड पे तो वो पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ जी, तो शो करना है तो ये वही है जी का फॉर्मूले से हम दिखा सकते हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 से जी को अकेले करके हब की यूनिट जो है उस हिसाब से इसकी यूनिट आती है, तो ये यूनिट आपको याद रखना है। वैल्यू क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है तो वैल्यू एक ही रहेगी, और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई थी बाय हेनरी कैवेंडिश, और वो कितनी आई SI यूनिट में वैल्यू इसकी 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो एक्चुअली हमारे को काम आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको एक्चुअली डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स चाहिए, तो 6.67 ले सकते हैं, या कभी कभी 6.7 करके क्वेश्चन में ही दिया गया होगा, तो वैसे हमको ये यूज करना है जी, और यही है जी की वैल्यू कितनी होगी इज इक्वल टू क्या वैल्यू ऑफ जी जब हम जी अकेले करते, तो इट इज व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg, दोनों 1-1 kg के मासेस है केप्ट 1 meter अपार्ट, तो दोनों 1 meter अपार्ट हो गए तो जी वन हो, जी साइड पे 1 हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक स्टेटमेंट दिया गया है। फिर आगे ये सेंटर ऑफ मास जब हमने यहाँ बात की कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर स्फेरिकल बॉडीज है तो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, और अगर नॉन स्फेरिकल है तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसके लिए बॉक्स दिया गया है।
तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, जहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही होगा, लेकिन अगर अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म डेंसिटी भी है तो भी सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रॉइड होगा। तो सेंट्रॉइड क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ये देखिए, अगर रेक्टेंगल है तो हम दोनों अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये पॉइंट जो आती है सेंटर ऑफ मास होता है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, स्फीयर या सर्कल है तो सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास। अगर ट्राइंगल भी है तो उसका सेंट्रॉइड जो होता है ये जो है यहाँ ये साइड के मिड पॉइंट जो है उसको कनेक्ट किया जाता है अपोजिट पॉइंट अपोजिट यू नो वर्टेक्स से। तो ये जो पॉइंट आती है जहाँ की लाइन मिलेगी वो जो है वो सेंटर ऑफ मास है, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास वेयर द एंटायर मास कैन बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। दो ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास को जब हम मिलाएंगे तो हमको डिरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है। और ये देखिए, ये अभी जैसे रिंग है, ये हॉलो ऑब्जेक्ट है, बीच में खड्डा है, ये रिंग है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर में। अब यहाँ पे कोई चीज है नहीं तो मतलब इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो। तो ये फिगर बताने का मकसद ये है कि आपको ये समझे कि सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो। तो ये वही है, तो ये हमने ऑलरेडी पीपीटी में एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेंटर ऑफ मास जो है हमको अगर बैलेंस करना है तो डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना जो है सेंटर ऑफ मास का पोजिशन जो है वो हिसाब से होता है। तो अगर हैवी बच्चा होगा तो पास बैठेगा, थोड़ा नजदीक बैठेगा ताकि जो है बैलेंस हो सके। फिर आगे देखते हैं, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे अब उसका फॉर्मूला दिया गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ दिया है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी इज वेलोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर मोशन है तो सर्कल होगा, और एम इज मास। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ है नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। स्पीड हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ आर क्या है, आर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मास, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर जो रेडियस है तो सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो अगर प्लैनेट के सेंट्रीपिटल फोर्स देखना है हमको, कि प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो उधर आर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये। और टी क्या होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कैपिटल टी। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला, यहाँ पे डेरिवेशन दिया गया है कि कैसे अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन जो है, अगर उसको टी टी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल टी है, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है उतने टाइम में, एक सर्कमफ्रेंस पूरा, तो वो 2πr होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2πr, टाइम इज टी, तो वी का फॉर्मूला ये आया 2πr अपॉन टी। तो ये हम f is equals to mv square upon r में सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब v की जगह पे, जो v की जगह पे यहाँ पे 2 pi r upon t डाल दें, तो ये कितना हो गया, 4 pi square r square हो जाएगा। तो 4 pi square r square upon t v square हो जाएगा, लेकिन एक r नीचे, इसके लिए यहाँ पे एक r हट गया, तो 4 m, m तो है मास का, 4 m pi r square r upon t square। फिर ये फॉर्म, इसके अंदर हमको ऊपर नीचे r square से डिवाइड करना है, तो ऊपर r square एक्चुअली r cube बन जाएगा ये, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से, यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों आर स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो वो सेम इफेक्ट रहता है ना। तो ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हो गया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ हमने देखा इस कॉन्स्टेंट दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेशियो कॉन्स्टेंट होगा। तो अगर ये रेशियो कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे जो है ये पाई भी कॉन्स्टेंट होता है, के भी कॉन्स्टेंट हो गया नीचे, के कैपिटल के कॉन्स्टेंट का आ गया, तो ये जो है फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के, और यहाँ पे मास भी कांस्टेंट ही रहेगा, प्लैनेट का मास तो बार बार चेंज नहीं होता, तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज कांस्टेंट। तो f जो है यहाँ पे क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के ऊपर वर्क करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली मच वीकर देन अदर फोर्सेज ऑफ नेचर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर आगे है यूज योर ब्रेन पावर, तो ये है, इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो इसका आंसर हाँ है, यस। इफ यस देन व्हाई डोंट द टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, सिंपल है, मास बहुत कम होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी वीक फोर्स है, और ये तो काफी कम होता है एक्चुअली। यहाँ पे आगे प्रॉब्लम्स भी है, महेंद्र एंड विराट कैसे वो लोग बैठे होंगे बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना है, तो आप देख सकते हैं -10^-7 है, मतलब 0.000, तो बहुत कम फोर्स होता है।
तो इसलिए जो है हम मूव नहीं होते, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा ही। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल्स भी है, सॉल्व एग्जाम्पल्स का एक्चुअली सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स का भी और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स का भी, तो वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स का सारे पूरे चैप्टर्स के एक साथ हम देखेंगे। यूज योर ब्रेन पावर आगे है, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन, वो भी एग्जाम्पल्स के ऊपर ही है, तो इसको भी वहां पे ही कवर करेंगे। एक डू यू नो है, ये डू यू नो देख लेते हैं, फिर आगे का जो पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेपरेटली हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। तो ये डू यू नो है हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स के बारे में। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं ट्वाइस अ डे, भर्ती का टाइम जैसे कहते हैं, पानी में जो है समंदर में पानी भर्ती का टाइम आता है, तो ये ट्वाइस अ डे होता है। और ये क्यों होता है, पानी ऊपर पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो मून की वजह से होता है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी अर्थ पे अफेक्ट करता है, तो अर्थ के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट करता है, तो ट्वाइस अ डे होता है। तो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स अकर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून एंड वाटर डायरेक्टली अंडर द मून, जहां पे मून का पोजिशन है, तो मून के ऊपर जो पानी है उधर, तो वो पुल होता है, गेट्स पुल टुवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस। तो ये तो बस यहाँ पे हम ये वीडियो एंड करते, बाकी का पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।